किसानों का कर्ज माफ ना कर अंबानी अडानी का कर्ज माफ क्यों? देखो भाई, कर्जा तो दोनों पार्टियों ने माफ किया है, कांग्रेस ने भी माफ किया है और बीजेपी ने भी माफ किया है। फर्क इतना ही है कि कांग्रेस ने किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ किया है और भारतीय जनता पार्टी ने 0.1% पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है। तथ्य के आधार पे, प्रमाण के आधार पे, सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण होता है और मौना फिर मौना है। चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो और देवता फिर देवता है, चाहे कुएं की गहराई में खड़ा हो। सरदार मनमोहन सिंह वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया किसानों का। 72,000 करोड़ रुपया, ये नहीं कि उन्होंने जो ऊंचे कैपिटलिस्ट हैं उनका कर्जा माफ नहीं किया, 87,000 करोड़ उनका भी किया। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सबसे बड़ा षड्यंत्र जिसमें नीरव मोदी, माल्या, ऐसे कई लोग आ गए जो जोर पे, राजनीतिक जोर पे सरकारी बैंकों से पैसा लेते हैं और फिर जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि भैया ये हमने वापस नहीं करना, ये ऐश विद कैश है, ये हमारा अधिकार है। वो 2,00,000 करोड़ था सरदार मनमोहन सिंह के टाइम पे, आपकी सरकार आई मोदी साहब, आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते। जैसे तिनका हवा का रुख बताता है ना, आंकड़े ये बता देते हैं कि माजरा क्या है, मसला क्या है। तो फिर सरकार बनी आपकी और अब ये आंकड़े आपको मैं बता रहा हूं। आपने किसान का कितना कर्जा माफ किया, ये क्रिकेट खेलते थे ना तो ये इसका बह रहता था, ये परफॉर्मेंस है आपकी, ये अंडा जीरो। आपने पूंजीपतियों का जो कर्जा है वो कितना माफ किया, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हो तो रेवेन्यूज फोरगॉन कहते हो, फिर ये कहते हो कि हमने ये इंसेंटिव दिया है, और किसान को कहते हो कि हमने तुम्हें सब्सिडी दी है। कितना माफ किया, 3,50,000 करोड़ रुपए माफ कर चुके हो, इंसेंटिव दे चुके हो। और एनपीए 2,00,000 से कितना हो गया, 11,00,000 करोड़। 18,00,000 करोड़ रुपए 0.1% आबादी के आपने माफ कर दिए, मरे हुओं को मार रहे हो, किसानों को क्या दिया, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। किसान अगर 2,00,000 का कर्जा लेता है, ब्लैंक चेक लेते हो मोदी साहब आप, ब्लैंक चेक बैंक लेते हैं, और ब्लैंक चेक अगर पहला डिफॉल्ट हुआ नहीं, उसने पहली किस्त नहीं दी, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसका कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर नाम लिखा जाता है, उसे जलील किया जाता है, उसे इंसल्ट किया जाता है। तो ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं अडानी को, 99,000 करोड़ के करीब ये अडानी साहब, अनिल अंबानी 45,000 करोड़, और फिर आप इनको 5 and 25 देते हो कि जो 5 साल में कर्जा वापस करना है वो 25 साल में करो। भाई क्या टांका है, क्या आपका नाता है, क्या सूढ़ी में घूमड़ी है कि भाई इन्हीं को फायदा दिया जा रहा है। 37,284 करोड़ ऐसा, ठीक है, आलोक इंडस्ट्री जिनको अलायंस रिलायंस ने खरीदा वो 22,000 करोड़। मोदी साहब जब भी मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं ना तो आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा देखता हूं, क्या बात है, स्माइलिंग फेस। हाँ जी, जब सरदार मनमोहन सिंह थे एक बैरल की कीमत $150 प्रति बैरल थी, राइट, उन्होंने कभी 80 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं, आप आए $40 पे आ गए, मतलब 4 गुना कम हो गई। क्या आपने फायदा गरीब को दिया, क्या आपने फायदा किसान को दिया, आपने डीजल को भी डीरेगुलराइज कर दिया, जो फायदा उसे मिलता था वो भी छीन लिया, लेने के देने पड़ गए। आपने 175 रुपए देके उससे 225 ले लिया जीएसटी लगा के फर्टिलाइजर पे और फर्टिलाइजर के साथ पेस्टिसाइड पे, लेकिन आपने वो फायदा रिलायंस और एसआर के पेट्रोल पंपों को खड़ा करने के लिए दिया। वो खड़े हो गए, उमर गए थे जब $150 प्रति बैरल था, लेकिन उनके झंडे में डंडा आपने लगाया। सरकारें भंवरे की तरह होती कि फूल से
रस भी ले लेती हैं, फूल भी जिंदाबाद, भमरा भी जिंदाबाद। आप तो झोंक बन गए, मरे वो खत्म कर दिया। छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी के सामने खत्म हो गया। और यही मैं कहता हूं कि फार्मर सर्वाइवल के लिए एक्सिस्टेंस, उसकी एक्सिस्टेंस स्टेक पे है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास इतना पैसा है, साथ कुछ पे खत्म नहीं होगा। ये तो ऐश विद कैश के लिए जी रहे हैं ना। मैं आपको 1970 में, और ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, 73 रुपए प्रति क्विंटल कनक की एमएसपी थी। एक प्रोफेसर को 90 रुपए तनख्वाह मिलती थी। उसकी तनख्वाह आज 300 गुना, 450 गुना टीएडीए मिला के, और जो बड़े बड़े एम्प्लॉय हैं सरकारी कॉरपोरेट्स में, 1000 गुना बढ़ गई। लेकिन किसान की एमएसपी 19 गुना बढ़ी है। क्या कसूर है उसका? और आप मजाक कर रहे हो किसान को 6000 रुपया देके? 5.5 साल आप सो रहे थे, कुंभकर्ण भी 6 महीने बाद आदम बहु करता हुआ उठ जाता था। आपने कुछ नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि हम 6000 रुपए प्रति साल देंगे, महीने के कितने बनते हैं बताओ ना? 450, 450 रुपया महीना दोगे एक किसान को? अरे उसको एक दिन का 1000 मिलना चाहिए, 2000 मिलना चाहिए। उसकी जो कैलकुलेशन है, जो डीजल की कीमत के अनुसार कीमतें बढ़ती हैं, उसको आपने कितनी कीमत दी है? 1992 में डीजल की कीमत 6 रुपए थी और गेहूं करीब 350 रुपए था और 270 रुपए धान था। डीजल बढ़ गया 80 तक, यानी 17 गुना, और किसान की एमएसपी आज 1500 और 1800 है, मतलब 5 गुना भी नहीं बढ़ी। इससे बड़ा मजाक क्या करोगे? किसान को अगर खड़ा करना है तो उसकी इनकम को बढ़ाना होगा, और उसकी इनकम को कम से कम नहीं, उसको पर किसान 15,000 से 18,000 रुपया एक महीने का चाहिए, तब वो खड़ा होता है। किस गुनाह की सजा दे रहे हैं आप? अन्नदाता को आपने भिखारी बना के खड़ा कर दिया। जो बुनकर कपड़े बनता था, उस बुनकर को आपने नंगा करके खड़ा कर दिया। और जो मकान बनाने वाला बढ़ई है, उसे बेघर करके खड़ा कर दिया। किस गरीब के हुए आप? 5% आपके बजट का हिस्सा, पता नहीं कितने लाखों करोड़ है, वो 5% आबादी के लिए रेवेन्यूज फोरगॉन इंसेंटिव। करीब 2,00,000 करोड़ रुपए हर साल देते हो आप, आज भी दे रहे हो, लेकिन सूढ़ी भी घूमड़ी है। और किसान को 70% आबादी को 2% क्या इंसाफ है आपका? अमीर का चराग जलने दो, गरीब की झोपड़ी जलने दो। अमीर की पौ 12 आपकी सरकार में, गरीब के 3 काने। नहीं नहीं, 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 ये इंसाफ नहीं है। अन्नदाता है, अन्नदाता को उसका बनता हुआ सम्मान मिलना चाहिए। और ये मेरे सवाल है। इंसान वो होता है जो कहता है वो करता है। ये राहुल गांधी है कि 10 दिन के अंदर 3 स्टेटों में जो कहा था वो किया। कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं, खटाए पूरा, चलो करके दिखाओ। और मिनिमम इनकम गारंटी 100 सुनार की टुक 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 टुक, और एक लोहार। नॉट ओनली स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, बट मेक इट हॉट बाय स्ट्राइकिंग। दैट इज अ गुड स्ट्राइक। ये तो हुई ना भावना जो जुड़ी गरीब, आपने उन्हें बेबस कर दिया, लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया। और इन भगौड़ों के लिए ऐसी योजना बनाएंगे, इनको कुछ चित कर ही नहीं सकता, ना इनके कोई ब्लैंक चेक, ना इनको कोई पूछने वाला, ना इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी, ना इनको कोई जवाबदेही। नो कॉमेंट्स। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो खैर, चलो खैर। या खून पसीना करके दिखा, या तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा यार, बोलता जा।